दोस्तों, डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन चुका फ्रांस अब कूटनीतिक समीकरणों में भी भारत को पूरी तरह से मदद करने के लिए सामने आ चुका है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से अपने बयान देकर पूरी दुनिया को एहसास करा दिया कि वह भारत ही नहीं बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान के भी साथ खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की तरफ से दिए गए ये बयान काफी महत्व रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर फ्रांस ने ऐसा कौन सा बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से काफी बड़े बयान दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन करता है। इतना ही नहीं बल्कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर पूरी तरह से सहमत है और वह इसमें सदस्यता के लिए ब्राजील, जर्मनी समेत जापान जैसे देशों का भी साथ देता है। बता दें कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील एक साथ मिलकर G4 नाम के संगठन का निर्माण कर चुके हैं। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में बदलाव का समर्थन करता है और सभी चार देशों को इसकी स्थायी सदस्यता दिलाने की डिमांड करता है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की भरी सभा में कहा था कि ग्लोबल लेवल पर भारत और कई देशों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ते जा रही है। सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी कई देश पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा परिषद जैसे एलिट संगठन में होने वाले टॉप लेवल डिसीजन में भारत की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम ग्लोबल साउथ को एक ब्लॉक के तौर पर देखें तो साफ तौर पर समझ में आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल साउथ की आवाज बनने वाला कोई भी देश मौजूद नहीं है। और क्योंकि भारत की विदेश नीति में ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करना शामिल है, इसीलिए हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ा माइलस्टोन के तौर पर देखा जाए, जिस पर अफ्रीका से लेकर एशिया के लगभग सभी देश सहमत भी है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वह भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देशों की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो करते ही है, साथ ही वह दिल से चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकन देश का प्रतिनिधित्व बढ़े, क्योंकि इससे न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के अंदर लिए जाने वाले फैसलों की रीच बढ़ेगी बल्कि अफ्रीका और दुनिया के दूसरे अंडर डेवलप्ड इलाकों में विकास की संभावना भी बढ़ सकेगी, जिससे ओवरऑल पूरी दुनिया का विकास होगा। हालांकि फ्रांस के अलावा अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देश भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन हर बार इस पूरे प्रोसेस में रोड़ा बन जाता है। पहले ये निर्णय लिया गया था कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 से 25 कर दिया जाएगा, जिससे कई देश टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकेंगे, लेकिन वीटो पावर को लेकर ये डिसीजन रिव्यू के अंदर जा चुका है और इस घटना से भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर फ्रांस की तरफ से दिखाया गया समर्थन हमारे लिए काफी मायने रखता है। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और इतनी अच्छी है कि आपको सुनकर समझ में आएगा कि भारत की इकोनॉमी जहां एक तरफ रॉकेट की तरह आसमान में नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप से लेकर अफ्रीका और चीन समेत अमेरिका जैसे देशों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये देश भारत की विकास दर को देखकर बस हैरान ही हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में पहली बार भारत की GDP ने $4 trillion का मार्क क्रॉस कर लिया है। बता दें कि भारत की GDP ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है कि कोई देश भारत के आसपास भी नहीं टिक रहा। इतना ही नहीं बल्कि जहां एक तरफ अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक नेगेटिव में जा रही है और मामूली से अंकों के साथ विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। चाहे यूक्रेन युद्ध हो या फिर इसराइल हमास का युद्ध, भारत लगातार तेजी से मजबूत हो रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा भी बढ़ते जा रहा है। बता दें कि इस वक्त अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि 2030 तक भारत की GDP $7 trillion की हो जाएगी, यानी अभी के मुकाबले हमारी GDP अगले 7 सालों में दोगुनी हो सकती है, जो कि हम सभी के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था का मतलब है कि देश के अंदर मिडिल क्लास तेजी से बड़ा होगा और लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होने वाला है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ ग्लोबल लेवल पर भारत की ताकत तेजी से बढ़ती जा रही है और फ्रांस जैसे देश हमारा समर्थन करने के लिए खुलकर सामने आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रही है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और
और इकोनॉमिक पॉलिसी दोनों ही सही तरह से काम कर रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या आने वाले 4 से 5 सालों में भारत की इकोनॉमी 60 ट्रिलियन को क्रॉस कर पाएगी या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।